आचार्य चाणक्य दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट, सबसे स्मार्टेस्ट और सबसे जीनियस लोगों में से एक थे। और चाणक्य ने अपनी नीतियों के दम पे अपने बहुत सारे दुश्मनों को, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उनको हराया था। और चाणक्य की जो दुश्मनों के खिलाफ नीतियाँ होती थी, जो उनकी प्लानिंग होती थी, जो स्ट्रेटजी बनाते थे, वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थी। आज चाणक्य की उन्हीं नीतियों में से आपके साथ मैं ऐसी 7 पावरफुल नीतियाँ शेयर करने वाला हूँ अपनी इस वीडियो में, जिनका यूज करके आप अपने दुश्मन को बड़े ही आसानी से हरा सकते हो। तो लेट्स बिगिन। नंबर 1, दुश्मनों के लिए बल की जगह बुद्धि का यूज करो और उसके बाद अपनी पूरी ताकत का भी यूज करो। जब नंदवंश के राजा घनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती की, तो चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा किया कि अपनी चोटी को, अपनी शिखा को तब तक नहीं बांधेंगे जब तक वह नंदवंश के पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़कर फेंक नहीं देते। फिर चाणक्य ने अपनी सेना बनाई, पर वह सेना इतनी मजबूत नहीं थी कि वह नंदवंश के सेना के सामने टिक सके। तो इसलिए चाणक्य ने माइंड गेम खेलना स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी बुद्धि का यूज किया, उन्होंने कूटनीति करी। चाणक्य ने फूट डालना स्टार्ट किया, मतलब घनानंद के साथ जिन राजाओं की अच्छी दोस्ती थी उनको उनसे दूर करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने 20 कन्याओं का भी यूज किया। 20 कन्या ऐसी लड़कियां होती थी जो खुद के पास पॉइजन रख के घूमा करती थी, मतलब जहर रखती थी वो खुद के पास, और जो भी उनको किस करता वो मर जाता था। तो जो नंदवंश के बड़े बड़े सेनापति थे, बड़े बड़े पावरफुल लोग थे, उन लोगों को 20 कन्याएं अपने प्यार के जाल में फंसा लेती थी और फिर उन्हें चुम्मी ले लेकर मार डालती थी। मतलब चाणक्य अपनी बुद्धि के दम पर पहले तो नंदवंश को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया, और जब नंदवंश बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया तो अपने बल का यूज किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ नंदवंश पर हमला कर दिया और जीत गए। तो सेम चीज़ें हमें भी अपने दुश्मन के साथ करना है। मतलब हमारे दुश्मन के साथ जो भी पावरफुल लोग कनेक्टेड होते हैं, जो भी मजबूत लोग हैं, हमें सबसे पहले उनको उनसे दूर करना है, मतलब फूट डालना है। और फिर जब आप उन पावरफुल लोगों को उनसे दूर कर देते हो, फिर माइंड के लेवल पर उनको धीरे धीरे परेशान करो, और जब वो लोग उतने कमज़ोर हो जाएं तो फिर उन पर पूरी ताकत के साथ अटैक कर दो। मतलब आपको सबसे पहले बल का यूज नहीं करना है, सबसे पहले आप अपने बुद्धि का यूज करो। अपने बुद्धि के दम पर पहले उनको आप कमज़ोर कर दो, उसके बाद बल का यूज करो। नंबर 2, गुस्से को काबू में रखो। एक बार मेरी मम्मी ने मुझे कुछ बोला, मुझे इतना ज़ोर से गुस्सा आया कि मैंने मेरा फ़ोन उठाया और उसे पटक दिया और मेरा फ़ोन टूट गया। 1-2 साल बाद फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और फिर से मैंने मेरा एक दूसरा फ़ोन पटका और मेरा फ़ोन टूट गया। और इन दोनों इंसिडेंट के बस कुछ ही मिनट बाद जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब मैं सोचने लगा कि मैं अब फेसबुक कैसे चलाऊंगा, मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ कैसे देखूंगा, मतलब बहुत अजीब लग रहा था। वैसे आप बताओ, जब आपको गुस्सा आता है या कभी पास्ट में आया तो आपने क्या किया था? क्या आपने सही डिसीजन लिया था या गलत डिसीजन लिया था? आई एम श्योर आपने गलत ही किया होगा, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा दिमाग सही से काम करना बंद कर देता है, और उस गुस्से के टाइम हम हमेशा गलत डिसीजन ही लेते हैं, हम खुद के साथ गलत ही करते हैं। और जो गुस्सा होता है यह हमारे दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार होता है। हमारा दुश्मन चाहता है कि हम गुस्सा करें, वो हमारे साथ कुछ ऐसी बातें करेगा, ऐसी चीज़ें बोलेगा कि हम गुस्सा करें, जिससे हम कुछ बचकानी हरकतें कर दें, कुछ ऐसी चीज़ें कर दें जिसका वो फ़ायदा उठाए। तो अगर आपका दुश्मन आपको उकसाने की कोशिश करता है कि आप गुस्सा करो, तो आप उस गुस्से को अपने अंदर समेट कर रख लो, उसे तुरंत जवाब मत दो, बल्कि पेशेंस रखो, थोड़े टाइम का इंतज़ार करो और सही टाइम आने पर अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर वार करो। नंबर 3, दुश्मनों को घायल करके मत छोड़ो। आपने वाली कहावत तो सुनी होगी ना कि घायल शेर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसे ही चाणक्य कहते हैं, हमें सांप को, बीमारी को और दुश्मनों को घायल करके कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि घायल होने के बाद ये लोग और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। मान लो आपको कोई बीमारी है और आपने उस बीमारी का पूरा ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो बाद में वो बीमारी और भी बड़ी बीमारी के साथ वापस आ सकता है। तो ऐसे ही अगर आपने किसी सांप को घायल करके छोड़ दिया तो सांप भी पहले से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ऐसे दुश्मन होता है, अगर आपने अपने दुश्मन को घायल करके छोड़ दिया तो हमेशा बदले की आग में जलता रहेगा। पहले तो आपका दुश्मन पूरा प्रिपेयर नहीं था, लेकिन इस बार आपका दुश्मन प्रिपेयर रहेगा। वो हमेशा ऐसे मौके ढूंढता रहेगा कि कब आप मिलो, कब आपसे वो अपना बदला पूरा करे। तो इसलिए हमें अपने दुश्मन को कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, उसे हमें एहसास दिला देना चाहिए कि तुम हमसे भाई टकराओ मत, नहीं तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मतलब आप अपने दुश्मन को कभी भी उस लायक मत छोड़ो कि वो आपको दोबारा परेशान कर सके। नंबर 4, अपने दुश्मनों से कभी भी नफरत मत करो। हमारे माइंड का एक नॉर्मल सा रूल होता है, या तो कहें एक अवस्था होती है, कि हमारा माइंड तभी अच्छे से काम करता है जब हम खुश होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए हमें अपने दुश्मनों से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने दुश्मनों से नफरत करते हैं तो हम सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है उसे खो देते हैं। मतलब हम चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझ पाते, और जब हम अपने दुश्मन से नफरत करते हैं तो हमें बस उसकी कमजोरियाँ ही नज़र आती है, जो उसकी ताकत होती है उसे हम इग्नोर कर देते हैं, और यही हमारे हार की सबसे बड़ी वजह बनती है। तो इसलिए हमें अपने दुश्मन से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके बारे में एक दोस्त की तरह सोचो, जिससे आपको उसकी ताकत और उसकी कमजोरी के बारे में अच्छे से पता चलेगा।
नंबर 5, अगर हाथ में जहर फैल जाए तो हमें पूरे हाथ को काटकर फेंक देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप पूरे हाथ को काटकर फेंकोगे नहीं तो जहर धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपका बहुत ही ज़्यादा करीबी है, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, और उनके बारे में आपको पता चल जाए कि वो लोग अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहते हैं, तो उन लोगों से दूर हो जाना ही सबसे बेहतर होता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग बस ऊपर से दिखाते हैं कि वो लोग आपके अपने हैं, पर एक्चुअल में वो लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, और ऐसे लोग आपसे नफरत करते हैं और अंदर ही अंदर आपसे बहुत ही ज़्यादा जलते हैं साले, और टाइम आने पर ये लोग आपके साथ गलत करेंगे ही करेंगे, इसलिए ऐसे लोगों से हमें दूर हो जाना चाहिए। नंबर 6, अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर मत समझो। आपने कछुए और खरगोश की वाली कहानी तो सुनी होगी ना, जिसमें कछुए और खरगोश के बीच रेस का एक कॉम्पिटिशन होता है। कॉम्पिटिशन शुरू होता है तो खरगोश बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाता है, तो फिर खरगोश सोचता है ये तो कछुआ है, ये तो बहुत धीरे धीरे चलता है, इसे लाओ मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और खरगोश आराम करने लगता है और सो जाता है। और लास्ट में इस कंपटीशन का रिजल्ट क्या होता है, वह कछुआ इस कंपटीशन को जीत जाता है। तो इससे हमें एक पावरफुल लेसन सीखने को मिलता है कि हमें अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। नंबर 7, दुश्मन और दुष्ट पर कभी भी भरोसा मत करो। चाणक्य कहते हैं दुश्मन दुश्मन ही होता है और दुष्ट दुष्ट ही होता है। आप इन लोगों के साथ कितना ही अच्छा काम करो, कुछ भी करो, पर लोग कभी भी सुधरते नहीं हैं, इसलिए ऐसे लोगों पे हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि सांप के दांतों में जहर होता है, बिच्छू के पूंछ में जहर होता है, लेकिन जो एक दुश्मन होता है, जो एक दुष्ट इंसान होता है, उसकी पूरी बॉडी में ही जहर होती है। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और इन पर भूलकर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये थी चाणक्य की 7 पावरफुल बातें, जिनको अप्लाई करके आप अपने दुश्मनों को बड़े ही आसानी से हरा सकते हो। चाणक्य की इन पावरफुल बातों को मैंने आपके साथ शेयर किया है चाणक्य नीति से। इस बुक पर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो और बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दिया है, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखना। आई होप मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।